देश भर के विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रोफेसरों की नियुक्ति पर सवाल उठाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश भर के 181 विश्वविद्यालयों और कुलपतियों ने खुला पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि राहुल गांधी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए झूठ का दावा किया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुलपतियों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वाइस चांसलरों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े होने के कारण की जाती है। राहुल गांधी के इस बयान पर विभिन्न यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों और प्रोफेसरों ने खुला पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि जिस प्रक्रिया से कुलपतियों का चयन किया जाता है वे योग्यता, विद्वतापूर्ण और विशिष्टता के मूल्यों पर आधारित प्रक्रिया की विशेषता है। चयन पूरी तरह से विशेषणिक और प्रशासनिक कौशल पर आधारित है और वे विश्वविद्यालयों को आगे ले जाने की दृष्टि से किया गया है। देश भर के कुल 181 विश्वविद्यालयों और कुलपतियों ने पत्र में लिखा है कि राहुल गांधी ने झूठ का सहारा लिया है और इससे राजनीतिक लाभ लेने के इरादे से बड़े पैमाने पर हमें बदनाम किया गया है। इस कारण उनके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए।